रथयात्रा पहला अमदावाद शहर पुलिस हथियारों की सप्लाय पर सक्रियपणे नजर राखी कार्यवाही कर रही है। त्यारे अमदावाद शहर क्राइम ब्रांच द्वारा 7 जेटला हथियार और तमंचा साथ बे आरोपी की धरपकड़ कराई है। हथियारों सोदो थाय ते पहला ज आरोपीओ ने झड़पीने क्राइम ब्रांचे मोटी सफलता मेळवी छे। रथयात्रा ने गणतरी ना दिवसों बाकी, पुलिस से झड़प्या हथियार सप्लाय करनाराओ ने। अमदावाद क्राइम ब्रांच ने मड़ी मोटी सफलता, हथियारबंद आरोपियों ने कराई धरपकड़। अमदावाद क्राइम ब्रांच ने प्राथमिक पूछपरछ में सामे आव्यू छे के आरोपी हथियार सौराष्ट्रना विस्तार में सप्लाय करवाना हता, जेनो हेतु दुश्मनों साथे वेर वाळवानो हतो। जो के हजू सुधी कोनी पर हुमलो करवाना हता अने कोनी साथे वेर वाळवानुं हतुं ते बाबते पोलीस आरोपीनी पूछपरछ करी रही छे। आदावलम शेख जे अत्यारे दानलीमला रहे छे, ए कानपुरथी हथियार लई 7 हथियार लई जेमा 2 पिस्तोल 5 तमंचा अने 15 कारतूस ए लई अहमदाबाद सिटी अने सौराष्ट्र वेचवा माटे आव्या हता। कानपुरथी एने अलग अलग पार्सल बनावी 2 हथियार एने रब नवाज शेख पठान एने आपवाना हता अने आपता वक्ते दानलीमड़ा खातेथी एमने धर। पोलीसे हथियारों साथे झड़पेला आरोपीओनी वात करिए तो साबाद आलम शेख के जे दाणीलीमड़ा विस्तार में रहे छे अने मूल उत्तर प्रदेश ना कानपुर नो रहवासी छे, ज्यारे बीजा नंबर नो आरोपी रबनवाज पठाण के जे फतेवाड़ी विस्तार में रहे छे। जे बन्नेनी धरपकड़ हथियार साथे दाणीलीमड़ा विस्तार में ख्वाजानगरना नाका पासेथी करवामां आवी। पोलीसनी तपासमां सामे आव्युं छे के आरोपी सादाब आलम कानपुरथी पिस्तल 15,000 रूपियामां लावीने 35,000 रूपियामां वेचवानो हतो। प्राथमिक तपासमां ए हकीकत पण सामे आवी के हथियार खरीदनार ग्राहको पोतानी दुश्मनावट अने मोतसोक तथा रोफ जमावा माटे आ हथियार खरीदवाना हता। आरोपी आ हथियार यूपी थी लग्जरी बसमां लाव्यो होवानी पण बाबत सामे आवी छे। करी एमने अरेस्ट करवामां आवी छे अने एमने रिमांडनी मेळवी આગળની પૂછપરછ કરવામાં આવશે। એ ક્યાંથી હથિયાર લાવ્યા હતા, ક્યાં આપવાના હતા, કેટલામાં લાવ્યા હતા, પૈસા કોને આપ્યા હતા અને એના પહેલા પણ કોઈ હથિયાર આપ્યા છે કે નહીં એની તપાસ ચાલુ છે અને રિમાન્ડ દરમિયાન એ બધું ખુલાસા કરવામાં આવશે। હથિયાર ખરીદનાર કોણ છે, સાથોસાથ યુપીમાંથી આ હથિયાર આરોપીઓને કોણે આપ્યા અને આરોપીઓ આ પહેલા કેટલા હથિયારો યુપીથી લાવીને ગુજરાતમાં વેચી ચૂક્યા છે તે તમામ પાસાઓ અંગે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી છે। વિશાલ મહેતા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ।